जैस इंडस्ट्रीज जो स्क्रीन पे नाम आ रहा है, जिसका नाम पहले था जैस पॉलीमर्स, और ये 1985 से कंपनी कार्यरत है, और अब 1993 में इस कंपनी का नाम जैस इंडस्ट्रीज हुआ। और देखिए नाम जब चेंज होता है तो कंपनी में जनरली यही होता है कि कुछ प्रोडक्ट एडिशन या कुछ विजन का कुछ चेंज होता है, और उसके बाद से कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। और आप देखिए ये पीयू रेजिन बनाती है और पीवीसी बनाती है, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीयूरेथीन, जिसको पीयू बोलते हैं शॉर्ट में, और सिंथेटिक लेदर भी बोल लीजिए, कार सीट्स में यूज होती है, और बहुत सारे इसके यूजर इंडस्ट्रीज है, और अच्छे खासे इनके बायर्स है, प्यूमा, रेट्टे, बाटा, महिंद्रा, वॉलमार्ट, सीके, कैल्विन क्लीन, और ये सब यूज करते हैं। और ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो कोरियन कंपनी है डैकसंग, उनसे टेक्निकल कोलाब्रेशन में ये स्टार्ट हुई थी। सो ओवरऑल बहुत जबरदस्त इन सालों में कंपनी ने ग्रो भी किया है पिछले 2-3 सालों में, और मैं देख रहा था 10 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक सिर्फ चल रहा है, जीरो डेट कंपनी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर रही है 18%, और जो ओवरऑल सेल्स की भी ग्रोथ है 6-7% से ग्रो करते गए हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, और पिछले 4-5 क्वार्टर में कंपनी ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, पिछले दिसंबर में 3-4 करोड़ का पैट था, तो इस दिसंबर 2020 की बात बोल रहा था मैं, जो 4 करोड़ का पैट है, और दिसंबर 2021 में ऑलमोस्ट 7.25 करोड़ का पैट है, तो इस तरीके का ऑलमोस्ट डबल हुआ इनका। तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट बहुत बढ़िया है, और 19 करोड़ रुपया टीटीएम बेसिस पे कंपनी कमाई है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है पिछले सालों के लाइफ में। तो मुझे लगता है, और जिस तरीके से जो अच्छे इन्वेस्टर्स, जो रिनाउंड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग इन छोटे मिड कैप और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप नैनो कैप में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें से 2-3 नाम इस स्टॉक में आ रहे हैं, जिससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। सो आई फील कि स्टॉक अच्छी आराम से, और 230-250 का टारगेट लगाया, ऊपर के लेवल से स्टॉक 200 दिखाया था, उसके बाद आज जब मैंने रेकमेंड करना शुरू किया था, इट स्टार्टेड एट अराउंड 176-77, तो आज भी अच्छा खासा पैसा बन रहा है, और मेरे जो होल्ड करेंगे उनका टारगेट बहुत आराम से अचीव होगा 230 और 250 का।